नमस्कार प्यारे बच्चों, आज दिनांक 10 जुलाई वर्ष 2021 है। हम लोग थर्ड चैप्टर कर रहे हैं घातांक तथा घनमूल, और इस वीडियो में प्रश्न संग्रह 3.1 करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर करना क्या है, घातांक का उपयोग करके नीचे दी हुई संख्याएं लिखनी है। तो 13 का पांचवा मूल, तो 13 वैसे ही लिखना है, पांचवा मूल बोला है तो 1/5 आ जाएगा। यहाँ घातांक के रूप में लिखना है हमें, तो इसलिए घात इस तरह से लिख दिया। और इसको देखो, ये क्या है, 9 का छठा मूल है, तो 9 है इसलिए 9 ऐसे ही लिखना है, छठा मूल है तो ये 1/6 हो गया। फिर 256 का वर्गमूल, तो ये कैसे लिखेंगे, 256 आपको वैसे ही लिखना है, 256 वैसे ही लिखना है। वर्गमूल का मतलब होता है दूसरा मूल, वर्गमूल यानी दूसरा मूल, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर क्या दिया है, 17 का घनमूल, घनमूल का मतलब होता है तीसरा मूल, 17 का तीसरा मूल को हम लोग 17 का घनमूल कहते हैं। तो 17 घाते यहाँ क्या आ जाएगा, आप लोग बताइए, 1/3 आ जाएगा, क्योंकि घनमूल है। देखो घन में भी हम लोग 3 ही लिखते हैं ना, घन यानी 3 होता है, और वर्ग, वर्ग का मतलब ही 2 होता है, हम लोग घात 2 लगा देते हैं जब वर्ग होता है। फिर है 100 का आठवां मूल, तो 100 आपको वैसे ही लिखना है, अब आठवां मूल है तो घात क्या लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे, शाबाश, बहुत सिंपल सवाल है। आप लोग अपना माइक बंद रखिए। 30 का सातवां मूल, 30 आपको वैसे ही लिखना है, सातवां मूल है तो क्या आएगा आंसर, ऊपर 1/7 आ जाएगा घाते। तो इस तरह 3.1 का पहले का 6 के 6 सवाल बता दिया मैंने आपको। आप जो दूसरा सवाल है वो ठीक उल्टा करना है। कैसे करना है, यहाँ पर ये दिया था कि कौन सी संख्या का कौन सा मूल है, ये दिया था। अभी तक हम जो कर रहे थे वो हमें दिया था कि कौन सी संख्या का कौन सा मूल, ये दिया था, और हमें उसे घातांक में लिखना था। अब ठीक इसी का उल्टा करना है। जैसे यहाँ घातांक में दिया है, घातांकित संख्या दी गई है, हमको बताना है कि कौन सी संख्या का कौन सा मूल है। जैसे इसी का उल्टा ही समझ लो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 13 का पांचवा मूल है ये संख्या 9 का छठा मूल है। इस ऐसा अगर घात अगर दिया हो तो आप कैसे पढ़ोगे, ये 9 का छठा मूल है, ये 256 का वर्ग मूल है। देखो इसी का उल्टा समझ लो, दोनों करने आना चाहिए। अगर ऐसा इस रूप में दिया हो तो इस रूप घात में लिखने आना चाहिए, घात में दिया हो तो ये ऐसा लिखना आना चाहिए कि किस संख्या का कौन सा मूल है। तो ठीक वैसे ही देखो, यहाँ पे घात दिया है तो किस संख्या का कौन सा मूल हुआ यहाँ, यस यहाँ 81 लिखा है तो ये 81 का, यहाँ 1/4 है यानी चौथा मूल, चौथा मूल। ऐसे ये क्या सेम ऐसे ये भी करना है, इसको क्या बोलोगे, यस 49 का वर्गमूल, ये 2 रहेगा तो वर्ग बोलना, इसको क्या पढ़ोगे, 15 का पांचवा मूल, इसको क्या पढ़ोगे, 512 का नौवां मूल। ऐसे लिखते जाना है बेटा, हाँ अभी मत लिखिए, अभी तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में आप लोग लिखना इसको। फिर ये कैसे लिखेंगे, 100 का 19वां मूल, ये कैसे लिखेंगे, 6 का 7वां मूल, शाबाश। तो अब थोड़ा सा आगे कुछ और चीजें समझ, जरा ये बात आप समझिए। यहाँ पर देखो, अभी तक पावर कैसे आता था, अभी तो जो घात आते थे वो सिर्फ 1/ करके आता था, जैसे घात 1/4, 1/2, 1/5, 1/9, 1/19, ऐसा घात आ रहा था। लेकिन अब देखो,
यहाँ पे घात कैसा है, 2/3 है। अभी अभी तक हमेशा ऊपर वन रहता था, ऊपर वन, हर बार ऊपर वन रहता था। माइक बंद, लेकिन अब ऊपर वन नहीं है, 2 है। देखो तो अब इसे कैसे करेंगे, देखो इसमें एक बात याद रखना बेटा कि ये जो ऊपर है ना, ऊपर जो नंबर है वो घात होता है, घात। ऊपर वाला जो संख्या है वो घात होता है, नीचे वाला जो होता है वो मूल होता है। जैसे ये 8 का ये 2 घात है और तीसरा मूल है, ये तो 8 के साथ अगर ये 2 लिखना है तो मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा, 8 का घात है 2, और 3 बाहर भी लिख सकता हूँ। ये 3 कैसे लिखेंगे, 1/3, और इसी का उल्टा भी कर सकता हूँ। अगर 3 अंदर लिखना है तो ये ऐसे आएगा, 8 1/3 अंदर, 2 बाहर। दोनों में फर्क समझ रहा बेटा, एक ही नंबर है, नंबर एक ही है, लेकिन यहाँ 2 को अंदर लिया तो 1/3 बाहर, 2 अंदर तो 1/3 बाहर, और यहाँ इसका उल्टा, 1/3 अंदर लिया तो 2 बाहर। दो तरीके से लिखे जा सकते हैं, ये समझ रहे हो कि नहीं, ध्यान से समझो जरा बेटा। हाँ तो देखो, जब हमने इसको ऐसा लिखा है तो इसे कैसे पढ़ेंगे, 8 के वर्ग का है ना, ये हो गया 8 का वर्ग, और ये 1/3 यानी घनमूल, तो 8 के वर्ग का घनमूल ऐसे लिखा जाएगा। और इसे कैसे पढ़ेंगे, ये देखो 8 का ये घनमूल है, इसको क्या, ये 8 के घनमूल का ये वर्ग है, वर्ग। कुछ समझ रहे हो बेटा आप लोग, मतलब ऊपर वाला नंबर वर्ग है, ऊपर वाले नंबर को वर्ग बोलेंगे, 8 के वर्ग का घनमूल बोलो, 8 के वर्ग का घनमूल बोलो, या फिर 8 के घनमूल का वर्ग बोलो, बात एक ही हुई। हाँ अब इसको कैसे पढ़ोगे, देखो इसको, ये 24 घाते 4/5 है, तो अगर मैं ये 4 को अंदर लेता हूँ तो ये जो 1/5 बाहर चला जाएगा, ये हमेशा 5/5 है तो 5/5 ही लिखना है। तो इसको कैसे बोलेंगे, 27 का चौथा घात है, फिर उसका पांचवा मूल है, तो इसको 27 के चौथे घात का पांचवा मूल बोलेंगे। अच्छा इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, अच्छा मैं ये दिखा रहा था आपको, ये 27 के चौथे घात का पांचवा मूल हो गया, अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ और इसी को उल्टा लिख दूं, तो ये 1/5 अंदर लेता हूँ, 4 बाहर, तो 27 के पांचवे मूल का चौथा घात हो गया, ये 27 के पांचवे मूल का चौथा घात, यानी ऊपर का नंबर जो है वो क्या रहेगा, घात, और नीचे वाला जो नंबर है वो मूल, 27 के चौथे घात का पांचवा मूल। अगर आपको घात पहले बोलना है, मूल बाद में बोलना है, तो ऐसा बोलो, 27 के चौथे घात का पांचवा मूल, और मूल पहले बोलना है घात बाद में, तो कैसे बोलोगे, 27 के पांचवे मूल का चौथा घात। नहीं समझा तो रोक दो बेटा मेरे को, आगे बढ़े, समझ गया हो तो। अब देखो ये सारणी मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पे लिखना है कौन से मूल का कौन सा घात, और यहां कौन से घात का कितना मूल, मतलब यहां देखो मूल पहले है और घात बाद में है, और यहां पर क्या है, घात पहले है और मूल बाद में। तो याद रखो, देखो कैसे करते हैं, नीचे वाला संख्या मूल है, थोड़ा जूम कर दूं, नीचे वाली संख्या मूल है, ऊपर वाली संख्या घात है, तो हमें यहां पहले मूल बोलना है। तो मूल क्या है, वर्गमूल है ना, 2 है तो वर्गमूल बोलेंगे, 225 का वर्गमूल का घन। मैंने वो नहीं पूछा बेटा, मैं ये समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों लिखा है,
यहाँ मूल और घात, पहले मूल बोलना फिर घात बोलना, तो मूल यानी ये वर्ग यहाँ 2 है, 225 का वर्गमूल, फिर घात पूछा है तो घात क्या है, घन। फिर ये वाला देखो दूसरा, इसके बाजू वाला, यहाँ पहले घात बोलना है तो 225 का घात कितना है, 3 है, यानी घन, 225 का घन। फिर मूल कितना है, मूल देखो नीचे देखो 2 है, तो यानी वर्गमूल। ऐसे यहाँ पे देखो ये कौन सी संख्या है, 45, तो 45 लिखो। फिर कौन सा मूल है यहाँ पे, मूल कौन सा है, 5 के 4, यस, जो नीचे रहता है वो मूल रहता है, तो यहाँ 5 नीचे है। माइक बंद करो युवराज, 5 नीचे है तो 45 का के पांचवे मूल का, 45 का पांचवा मूल हो गया। फिर घात कौन सा है यहाँ, तो 4, तो 45 के पांचवे मूल का चौथा घात, चौथा घात। अब यहाँ उल्टा लिखना है, नंबर 45 है तो 45 वैसे लिखना है, 45, फिर घात पहले आएगा, तो घात क्या है यहाँ, 4 घात है कि 5 घात है, ऊपर का नंबर घात रहता है, तो 45 के चौथे घात का कौन सा मूल और कौन सा है यहाँ, 5, तो यहाँ आ जाएगा पांचवा मूल, मूल लास्ट में लिखना है तो मूल। ऐसे यहाँ पर भी देखो ये 81, कौन सा मूल, मूल पहले लिखना है, तो मूल क्या है यहाँ, हाँ, तो 81 के सातवें मूल का घात, घात कितना है यहाँ, 6, तो छठवां घात, तो घात लिख दिया। फिर देखो अब इसको इधर कैसे लिखेंगे, ये 81 है, यहाँ 81 आ जाएगा, 81 का पहले घात लिखना है, तो घात कितना है 81 का, नहीं बेटा ऊपर का नंबर घात रहता है, हाँ, तो 81 का छठवां घात, 81 के छठवें घात का फिर मूल लिखना है, मूल, तो मूल, सो यस, तो 7, तो सातवां मूल, सातवां मूल। ऐसे ही बाकी दोनों कर लोगे, हाँ, तो ये आपका होमवर्क रहा 3.1 3.2 कंप्लीट करना, ठीक है। तो आज कितने लोग जुड़े थे इस लेक्चर में, कितने लोग जुड़े, 12 कि 13 लोग,